चाय रख दो। क्या हुआ? नौकरी मिली आपको? बस शुरू हो गई, एक ही सवाल है तुम्हारा। नौकरी मिली आपको? नौकरी मिली आपको? ऐसा लगता है जैसे घर में भूखी मर रही हो। कमाल यार, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूं आपसे। तो क्यों पूछ रही हो? हाँ क्यों पूछ रही हो? एक बात कान खोल के सुन, जब तक मुझे मेरे मतलब का काम नहीं मिलता मैं नौकरी नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें इतनी पैसे की जरूरत है ना तो जाके अपने भाई से मांगो। क्यों, मैं उससे क्यों मांगू जबकि मैं तो आपकी जिम्मेदारी हूं ना। यही तो मसला है, ये जिम्मेदारी लेके मैं फंस गया हूं। कि आप क्या कह रहे हैं? और क्या कहूं? हाँ? क्या कहूं? इतना कमाता है तुम्हारा भाई, कभी एक थैला दिया उसने तुम्हें? ख्याल ही नहीं है बहन का? ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे बहुत कहता है लेकिन मैं ही उसे मना कर देती क्योंकि मुझे पता है कि आपको इस तरह किसी की मदद लेना पसंद नहीं आएगा। ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती कि तुम हो ही इतनी मनहूस और इतनी शोबाज औरत कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा उसका बेड़ा गर्क ही होगा। सो हो रहा है मेरा? ठीक, ये आप क्या कह रहे हैं? जारा मेरे लिए ऐसा नहीं बोल सकती। कैसा नहीं बोल सकती? तुम्हें क्या लगता है जारा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है? ऐसा नहीं बीबी, सच तो यह है कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे झांसा देकर तुमसे मेरी शादी करवा दी कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मुझे कारोबार के लिए ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन शादी होते ही मुकर गई और अब कहती है कि इस ड्रामेबाज के लिए पैसा कहां से लाऊं? नहीं, मैं नहीं मानती। मानो या ना मानो लेकिन सच यही है कि जारा पहले दिन से जानती थी कि ना मेरे पास कोई नौकरी है ना मेरे कोई कारोबार है, उसने फिर भी तुमसे झूठ बोला। खैर, मैं उससे अपनी रकम तो निकलवा ही लूंगा, अगर उसने नहीं दी उसे बख्शूंगा नहीं। शजी को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा।